दिस वीडियो इज ओनली एजुकेशन पर्पज। इस तरह आप लोग कर लेंगे तो कितना भी पति सफल कोई करेगा, कितना भी फर्री मारेगा, तो आप पति को जान जाएंगे कि ये पति किधर जा रही है, कौन सी पति है। ठीक है, तो इस तरह आप काफी सारा पैसा जीत जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी पति आप पहचान होंगे, चुटकियों में पहचान जाएंगे। ठीक है, ये महिला की पति है, ये दहला की पति है, ये भी दहला की पति है। इस तरह की पति आप पहचान जाएंगे, लाखों करोड़ों पैसा जीत सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में मैं ऐसा ट्रिक लेके आया हूं जो दोस्तों बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, बहुत ही अलग है और सबसे यूनिक ट्रिक है। क्योंकि अगर जो दोस्तों आप लोग तीन पत्ती का जुआ खेलते हैं, कटपत्ता मांगकत्ता, अंदर बाहर, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो भी प्रकार के आप लोग जुआ खेलते हैं और जुआ खेल खेल के लाखों करोड़ों पैसा हार चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि दोस्तों आज के शानदार वीडियो में जो मैं मैजिक ट्रिक बताने वाला हूँ, ये बंगाल का मैजिक ट्रिक या जादू आप समझ लीजिए, बंगाल का जादू है, बंगाल का मैजिक ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग तीन पत्ती का जुआ खेलने जाते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में तीन पत्ती के बारे में, तीन पत्ती से रिलेटेड ट्रिक बताऊंगा जो एकदम आश्चर्य और पावरफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई लोग तीन पत्ती में बहुत सारा पैसा हार चुके हैं। भाई लोगों ने कमेंट किया, सर गुरु जी मुझे तीन पत्ती का ट्रिक बताइए, तीन पत्ती में ऐसा कोई मैजिक ट्रिक बताइए जिससे मैं हारा हुआ पैसा वापस जीत सकूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को जानकारी के अनुसार बता दूं कि जो चीटर होते हैं वो तीन पत्ती में किस तरह आपको चीटिंग करते हैं और आप पकड़ भी नहीं पाते हैं और आप जान भी नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप, उम्मीद करता हूं, पूरा देख लेंगे तो आप उन चीटरों से सावधान हो जाएंगे, और नहीं सावधान है तो आज से ही सावधान हो जाइए कि जो चीटर होते हैं, जो कटर होते हैं, जो मास्टर ब्लास्टर ट्रिक जानते हैं तीन पत्तियां अंदर बाहर में, उन लोगों से आप कैसे जीत सकते हैं, फिर उनको कैसे पकड़ सकते हैं। तो चलिए एक एक गड्डी में आपको दिखाऊंगा और एक एक गड्डी में तीन पत्ती खेल के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको चार गड्डी के माध्यम से अंदर बाहर कटपत्ता में जीत के और सारा ट्रिक बताया था, काफी अच्छा खासा प्यार मिला दोस्तों ने उसे अच्छे से देखा। ठीक है, तो सेम उसी तरह अगर जो भाई लोग तीन पत्ती का जुआ खेलते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और भाई से आप लोग से मैं बता दूं कि जो भाई लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा भाई लोग, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिलते रहेंगे। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो आप तीन पत्ती खेलते हैं तो कैसे आप जीतेंगे और कैसे चीटरों को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 555, यहाँ पे चार प्रकार की गड्डी, ये भी 555, ये मेरी का है, ये 555, ये भी 555। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं अच्छे सफल कर दे रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं इस ताश पे कोई मैंने ट्रिक नहीं मारा है। ठीक है, देख सकते हैं सब ताश खाली है, कुछ पे कोई मार्क कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले एक एक गड्डी खेल के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप तीन पत्ती में कैसे जीत सकते हैं। क्योंकि दोस्तों तीन पत्ती में जो भाई लोग बहुत पैसा लाखों करोड़ों बर्बाद हो चुके हैं, उन भाई लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई लोग आप लोग इस वीडियो को पहले लास्ट तक देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तीन पत्ती में क्या होता है, पति को अच्छे सफल कर देता है बंदा, फर्री मार देता है और यहाँ पे ऐसे रख देता है, टच कर लीजिए या फिर कट कर लेता है बंदा, ऐसे तीन पत्ती का भी खेलते हैं तो कट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तीन पत्ती पे दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैं छह लोगों के बीच पत्ता डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे छह लोगों के बीच मैंने पत्ता डिवाइड किया है। ठीक है, बीच वाली जो पत्ती मेरी है। चलिए अभी आप लोग को मैं सब कुछ बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, और YouTube पे भी ऐसा वीडियो आप देखे नहीं होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग के लिए मैं एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर जो बहुत सारे भाई लोग जो YouTube के माध्यम से वीडियो देखते हैं, तो आप लोग सही वीडियो को देखिए, सही चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको मेरा एक वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो मेरे चैनल पर सैकड़ों वीडियो हैं। देख दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा कि अगर जो आप तीन पत्ती में बहुत सारा पैसा बर्बाद हो चुके हैं, तो आप खोया हुआ पैसा वापस कैसे जीत सकते हैं, ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं कि जो बर्बाद हो चुके हैं। चलिए एक एक पत्ती आपको मैं दिखाता हूं, और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग मजेदार है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, फुल वीडियो को वॉच करना है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए एक एक गड्डी के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लगा है, दो छह पांच, यानी आपका
जो दोस्तों यहाँ पे कुछ पत्ती नहीं बनी है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये दुखी है, पंजी है, सबसे छोटी पत्ती है, यहाँ पे ना रन है ना कच्ची रन, प्योर जूट, हाई काट कुछ नहीं, यानी सिंपल से आप हाई काट छक्की मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप गड्डी में पैक कर दीजिए, ये इस तरह की पत्ती आ रही है तो इसको गड्डी में पैक कर दीजिए, ठीक है। चलिए इस तरह की पत्ती आ रही है तो आप गड्डी में पैक कर दीजिए। दूसरी यहाँ पे, दूसरी गड्डी में यहाँ पे दिखाता हूँ दूसरे बंदे की पत्ती, ठीक है। दूसरे बंदे की पत्ती यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी कुछ नहीं आपका, ये भी हाई कार्ड है। इस तरह की भी पत्ती आपके पास आ रही है तो आपको गड्डी में पैक हो जाना है, पैसा नहीं चलना। ये बादशाह की पत्ती आपका हाई कार्ड है, जिस वो दुखी की पत्ती जो थी 2-5-7 उससे आप जीत रहे हैं, बड़े पत्ती हैं। तो इस तरह की भी पत्ती आ रही है तो आप एक भी हाथ नहीं चलिए, आपको सीधे से गड्डी पे पैक हो जाना है। जब तक आपकी बड़ी पत्ती ना लगी हो, जैसे रन ना लगा हो, कलर ना लगा हो, हाई कार्ड मतलब कुछ नहीं, जूट लगना चाहिए बड़ी पत्ती। चलिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 8 गुल्लू 1, तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर छक्की बेस था, छक्की हाई कार्ड था, यहाँ बादशाह हाई कार्ड था, यहाँ 1 हाई कार्ड है। तो 1 हाई कार्ड आपका बड़ा है तो ये दोनों बंदों को हरा चुका है। इस तरह की पत्ती आ रही तो आप चाल चल सकते हैं, ठीक है। 1 अगर जो है तो आप चाल चल सकते हैं एक बार, लेकिन दो, एक से दो बार चलना, ज्यादा नहीं चलना, ठीक है। चलिए चौथे बंदे की मैं पत्ती दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 8 और ये 11 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो 9, 10, 11 रहता तो ये आपका कच्ची रन हो जाता, लेकिन ये भी कुछ नहीं, तो ये आपका बासा से छोटा बेस है, हाई कार्ड है, तो इसको भी आपको गड्डी पे पैक हो जाना। चलिए अब यहाँ बात करते हैं छठवें बंदे की। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं छठवें नंबर पे मेरी पत्ती है जो सबसे बड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं नहला का जूट है आपके सामने, देख सकते हैं कि सबसे बड़ी पत्ती मेरी है, नहला का जूट है। चलिए यहाँ पे पांचवें बंदे की पत्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस बंदे की पत्ती क्या लगी है, आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी पत्ती मेरी थी, जो बड़ी पत्ती है वही जीतेगा। चलिए जैसे कि मैंने आपको एक गड्डी में दिखा दिया, ठीक है, चलिए मैं दूसरी गड्डी में आपको दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, मैं दूसरी गड्डी में आपको दिखा रहा हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आपको मैं चलिए समझा के सब कुछ अच्छे से ट्रिक बताऊंगा। चलिए इस गड्डी से मैं आपको खेल के समझा दिया। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको इस वाली गड्डी से खेल के दिखाऊंगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 555 है, यहाँ पे भी मैं जोकर की पत्ती निकाल दी, इसमें कोई मार्क वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, ये भी सिंपल पत्ती है, ठीक है, इस पे भी कोई ट्रिक मार्क मैंने नहीं लगा रखा, ठीक है। चलिए इससे भी मैं अगर जो देखिए दोस्तों, अगर जो आप क्लब में कैसीनो में कहीं भी 3 पत्ती का जुआ खेलने जाते हैं तो वहां पे 2, 4, 10 तरह के ताश होते हैं, गड्डियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिसके वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर जो आपको सही तरीका सही नॉलेज पता रहेगा तो कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस तरह लोग चीटर आपको हरा देंगे और आप हार जाते हैं, वापस मुंह लटका के घर चले आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज से हो जाइए आप लोग सावधान, आज से आप पैसा भी नहीं हारेंगे और जो पैसा हार चुके हैं वो जीतेंगे आप, ठीक है। तो चलिए 3 पत्ती में इस तरह मैंने इसको भी सफल किया, फर्जी मारा। चलिए यहाँ पे मैं कट करके रख दिया, फिर से मैं यहाँ 6 लोगों के बीच डिवाइड करूंगा, पहले आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी मैं 6 लोगों के बीच पत्ता डिवाइड कर दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर जो आप लोग को एक वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो एक एक करके देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं 6 लोगों के बीच पत्ता डिवाइड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं ये वाली पत्ती जो है साइड की, ये मेरी पत्ती है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इस गड्डी में मैंने समझाया उसी तरह इस गड्डी में आपको भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले बंदे की नहला की जूट है, ठीक है। तो इस तरह की पत्ती आ रही है तो आप 1 से 2 हाथ चल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बासा बेस है, इस तरह की पत्ती आ रही है तो आप 1 हाथ चलिए, ज्यादा नहीं चलिए, क्योंकि इस पत्ती का कोई मतलब नहीं है, आप पैसा हार जाएंगे, सीधे से गड्डी में पैक हो जाइए। देखिए यहाँ पे 1 बेस है, 1 बेस आ गया तो ये वाला बंदा जीत गया, आप हार जाएंगे, ठीक है, और इन दोनों को ये वाला बंदा हरा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की पत्ती आपके पास छोटे छोटे बेस आ रहे हैं हाई कार्ड वगैरह, तो आप सीधे से सिंपली से गड्डी में पैक हो जाइए दोस्तों, ठीक है। ये भी आपकी कोई पत्ती नहीं है, ये नाला बेस है, तो इसको भी आपको गड्डी में पैक हो जाना है। चलिए ये भी पत्ती बंदी, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 7-8, यहाँ पे 9 रहता तो आपका कच्ची रन हो जाता है। 1 है, 1 हाई कार्ड है, इस हाई कार्ड से ये हाई कार्ड जीत रहा है, क्योंकि 3, 6, 1 है, यहाँ पे 7-8, 1 है, तो ये बड़ी है, ठीक है। चलिए
मैं अपनी पति, ये मेरी पति है, चलिए मैं अपनी पति दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं गुल्लू जूठे, ये मेरी पति है, ये मेरा गुल्लू जूठे। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पत्ती मेरी लगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी पत्ती सबसे बड़ी पत्ती मेरी लगी थी, पिछले वाले में भी सबसे बड़ी पत्ती मेरी लगी थी। क्या खासियत है, क्या ट्रिक मैं कर रहा हूँ, मैजिक ट्रिक, वो आप लोग को मैं ध्यान से बताऊंगा। तो पहले आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे भी देखिए नाला का जूठ है, पिछली बार मेरा नाला का जूठ लगा था, ठीक है। तो अब जो ये देखिए गुल्लू का जूठ है, सबको जीत रहा है, यानी सबसे बड़ी पत्ती मेरी लगी है। तो इस तरह आपको करना है, लेकिन कैसे करेंगे, जब तक आप जानेंगे नहीं दोस्तों तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज को आपको सीखना है, समझना, और सीखना समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह का अगर जो आप ट्रिक कर लेते हैं, सीख जाते हैं, तो काफी सारा पैसा जीत जाएंगे। चलिए देख सकते हैं ना, मैं पत्ती यहाँ पे जीत लिया हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने दूसरी गड्डी से देखा, ठीक है। चलिए अब तीसरी गड्डी से भी मैं आपको खेल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपने दो गड्डी में देखा कि लगातार मैंने जीत लिया, इसमें भी जूट लगा था, इसमें भी। चलिए मैं यहाँ पे तीसरी गड्डी मेरी को ओपन करता हूँ। मेरी की खासियत, और इतना इसका नाम है, इतने चर्चे हैं कि आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, ठीक है। इसमें मैं पत्ती को ऐसे ही बता दूंगा और आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि अरे भाई पत्ती को कैसे आपने बता दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक आप सीख जाते हैं तो काफी मालामाल हो जाएंगे, पैसा, पैसों की बारिश होगी, और चीटर आपके आगे घुटने टेक देंगे दोस्तों, ठीक है। असली खिलाड़ी को आप खुद धूल चटाएंगे, खुद इतने बड़े आप बादशाह हो जाएंगे। मास्टर ट्रिक आपको समझ में आ गया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी का कार्ड है, ठीक है। इसमें आप बहुत ही आसानी से कोई भी मार, कोई भी ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा कुछ इसमें, कुछ दिख रहा, ठीक है। तो इस तरह का आपको मैं अभी, चलिए इस ताश की, चलिए दोस्तों, दोस्तों इस ताश की जो क्वालिटी है, जो खासियत है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये बिना देखे मैं पत्ती को बता दूंगा, ये नाला की पत्ती है, ठीक है। आप भी जान जाएंगे और इस ट्रिक से, इस नाले से आप मालामाल हो जाएंगे। बेगी की पत्ती है दोस्तों, कौन सी, बेगी की पत्ती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझिए, इस वीडियो को पहले लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ गया कि कैसे मैं पत्ती को पहचान रहा हूँ। आप भी पहचान जाएंगे, ये गुल्लू की पत्ती है, ठीक है। देखिए, जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप कुछ भी सीख या समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। ये भी देखिए, ये दुक्की की पत्ती है, ठीक है। एक एक पत्ती की जानकारी मैं आपको दूंगा और एक एक पत्ती आप भी पहचानने लगेंगे, ठीक है। ये चौवा की पत्ती है दोस्तों, ठीक है, सॉरी दुख किया गई। चलिए अब इसके बाद दोस्तों, चलिए मैं आपको इससे भी तीन पत्ती खेल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी पत्ती अभी आप देखिएगा कहाँ जाएगी, किसकी लगेगी, मैं वो भी बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलिए, यहाँ पे भी मैं छह लोगों के बीच पत्ता डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी सीख समझ नहीं पाएंगे, और अगर जो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं तो और भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों पहले आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पे मैंने छह लोगों के बीच पत्ता डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे छठे नंबर की पत्ती मेरी है, ठीक है। छठवें नंबर की ये जो पत्ती है दोस्तों, ये मेरी पत्ती है। तो आप लोग ध्यान से पहले देखिएगा, इस बार भी मैं जीतूंगा, पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस बार भी मैं जीतूंगा और आप भी जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आप इस ट्रिक को सीखेंगे नहीं तब तक नहीं। चलिए, ये कौन सी है, तिक्की की जूट है, अच्छी बात है दोस्तों। और देखिए, छोटी जूट आ रही है आपकी, जैसे तिक्की की, चौवा की, तो उस पर आपको ज्यादा चाल नहीं मारना है। जब तक आपका बड़ा जूट नहीं आए तब तक आपको ज्यादा चाल नहीं मानना। तो ये छोटा आपका तिक्की का जूठ है, इससे भी एक दो बार आप चाल चल सकते हैं। चलिए, ये देखिए दोस्तों, इसे हम बोलते हैं कलर। ये देखिए, तीनों एक कलर की पत्तियां हैं, लेकिन
क्रमवाइज नहीं है, तो बहुत सारे भाई लोग तीन पत्ती की जानकारी नहीं होता है तो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये तीनों क्रमवाइज नहीं है, तीनों एक कलर का है, तो ये गुल्लू तक कलर है, तो इसमें दो चार हाथ आप चल सकते हैं। गुल्लू तक कलर है तो दो चार हाथ आप चल सकते हैं, ठीक है, दो चार हाथ, ज्यादा नहीं, दो चार हाथ आप चल सकते हैं, इससे भी आप जीत जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं तीसरे बंदे की पत्ती दिखा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, इक्का आठा बेगी, ठीक है, इक्का अट्ठा बेगी, तो ये दोस्तों मास्टर ट्रिक है, आप देख सकते हैं, इक्का अट्ठा सॉरी बेगी नहीं था, गुल्लू है ना दोस्तों, गुल्लू, तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्का अट्ठा गुल्लू, तो ये आपका हो गया हाई कार्ड। अब यहाँ पे देखिए, अगर जो तीन बंदों की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी पत्ती इसकी लगी थी, लेकिन जब यहाँ पे कलर लग गया तो ये दोनों बंदे हार जाएंगे, ये भी हार जाएगा, ये भी हार जाएगा, और ये वाला बंदा, अगर जो आपके पास कलर की पत्ती आ रही है इक्का तक, बासा तक, गुल्लू तक, तो आप जीत जाएंगे, तो ये वाले बंदे जीत जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं चौथे बंदे की पत्ती दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका जूट लगा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर जो जूट लग रहा है तो आपको पत्ती चेंज कर देना होगा, वो मैं कैसे करूंगा आपको सब बताऊंगा। तो इस तरह की भी पत्ती आ रही है, तो देख सकते हैं गुल्लू का जूट है, और ये पत्ती दोस्तों आप, चलिए मैं बता दूं, पहले चौवा है, बेगी है, तिक्की, ये चौवा है, ये बेगी है, ये तिक्की है, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इस, ये आपकी छोटी पत्ती है, बेस आपका गुल्लू है, तो कुछ नहीं, यही जीतेगा। चलिए मेरी पत्ती क्या लगी है, चलिए मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, मेरी पत्ती छक्की है, ठीक है, ये भी छक्की है दोस्तों, और ये आपका इक्का नाला है दोस्तों, ये आपका नाला है, चलिए देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दोस्तों छक्की का जूट लगा, आप देख सकते हैं मेरा छक्की का जूट लगा है। तो ज्यादातर मैं बात करूं दोस्तों, अगर जो ज्यादातर लोगों में आप खेलेंगे, जैसे 6 लोग 9 लोग 10 लोगों के बीच में, तो सबसे बड़ी पत्ती आपको कैसे मारना है आज की इस वीडियो में, वो भी बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा, मैं पत्ती के ऊपर से ही देख के बता दे रहा हूं, तो कार्ड पहचानने की, पत्ती पहचानने की जानकारी आपको सीखना है, कैसे सीखना, वीडियो के एंड तक बने रही है। तो इन सब 6 पत्तियों में आप देख सकते हैं ये रन जीत रहा है, ये सॉरी कलर, ये गुल्लू तक कलर है मेरे दोस्तों। तो इस तरह की आपकी पत्ती आ रही है, चाहे यहाँ पे इक्का हो, बासा हो, बेगी हो, गुल्लू हो, ये कलर आपका बड़ा पत्ती मानी जाएगी, बाकी ना इक्का का जूट बड़ा है, ना गुल्लू का जूट बड़ा है, ना तिक्की का जूट, सब जूट आपके आगे छोटा पड़ जाएंगे। अगर जो यहाँ पे बासा तक कलर, इक्का तक कलर है, कोई भी बड़ा कलर है, तो आप जीत जाएंगे, बाकी सब पत्तियां हार जाएंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट कार्ड में बता दें, उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे तीन तरह के मैंने गड्डी में बताया आपको, समझ में कुछ ना कुछ आया होगा। चलिए चलिए अब यहाँ पे मैं दोस्तों चौथे कार्ड को ओपन करता हूँ, इसके माध्यम से भी आपको थोड़ा सा डेमो करता हूँ, उसके बाद चलिए मैं फाइनली आपको ट्रिक और ट्यूटोरियल की ओर लेके चलता हूँ, किस तरह आप ट्रिक करेंगे, किस तरह आप सीखेंगे, किस तरह कर सकते हैं, वो सारा चीज। जब तक दोस्तों आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कुछ भी कर नहीं पाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए इस ताश की गड्डी को मैंने अच्छे सफल कर दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं फर्री भी मार दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए अभी आप लोग देखेंगे और सोचेंगे कि गुरु जी ने कैसे किया ये सब, लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, मैं आपको भी बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा। चैनल पे पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पत्ती को सफल कर दिया, फर्री मार दिया, कट करके यहाँ पे बंदा रख देता है, ठीक है। चलिए इसको भी मैं 6 जगह डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, यहाँ पे 6 जगह डिवाइड कर दिया, 2 2 2 3 3 3 3 3 3, ठीक है, बाकी ये पत्ती रख देता हूँ। चलिए दोस्तों ये लास्ट गड्डी है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो भी ऐसा ट्रिक जो बंगाल में लोग करते हैं, मैजिक ट्रिक, बंगाल का ये जादू है, समझ लीजिए। चलिए एक एक बंदे की, अरे वाह दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगा कि रन लगा क्या, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए एक पत्ता अगर जो ये ईंट कर रहा था तो इक्का तक कलर हो जाता, नहीं तो ये इक्का का बेस हाई कार्ड है, इस पे 1 से 2 हाथ चलना है, नहीं तो बैक जाना है गद्दी पे। ये आपका गुल्लू का हाई कार्ड है, ये भी कुछ नहीं, आपको गड्डी में पैक हो जाना है, इसका मतलब तो कुछ ही लगाना ही है, ये बंदा हार जाएगा, ठीक है। इस तरह की पत्ती आ रही तो सीधे से गड्डी में पैक हो जाना आपको। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी कोई पत्ती नहीं है, 9 10 11 रहता है, फिर 8 9 10 रहता तो भी ये रन हो जाता, लेकिन ये भी 10 हाई कार्ड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए
ये भी कुछ नहीं लगा है दोस्तों, आप देख सकते हैं नाला आईपैड, ठीक है। चलिए मैं अपनी पत्ती दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ भी मेरी पत्ती कुछ नहीं लगी है, बादशाह हाई कार्ड है, ये बादशाह हाई कार्ड है, इसका हाई कार्ड है, ठीक है। बाकी सब हाई कार्ड सब बेस है, ना कोई जूट है, ना कलर है, ना प्योर है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा है इसमें, इस गड्डी में कोई भी पत्ती अच्छी नहीं लगी है दोस्तों, यही वो एक का बंदा जीत जाएगा। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा अब कैसे आप पैसा जीतेंगे और कैसे जीत सकते हैं वो चीज आप समझिएगा, ठीक है। ये देखिए कागज का कार्ड है, ये कागज का कार्ड है दोस्तों, ये मेरी भी कागज का कार्ड है, ठीक है, और ये प्लास्टिक का कार्ड है, ये दोनों हमारा प्लास्टिक का कार्ड है, और ये मेरी और ये मेरा कागज का कार्ड है। इन दोनों कार्डों में अंतर क्या होता है दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक के कार्ड में जो चीटर होते हैं, ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको चीटिंग करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कागज के कार्ड पे चीटिंग करके आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिए और ध्यान से सीखिए। ये दोस्तों मैंने ब्लेड लिया है, ठीक है, ब्लेड से आपको मैं बताऊंगा, और ब्लेड से जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक कुछ भी सीख या समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे बंदे जो मेरा वीडियो देखे होंगे वो शायद समझ गए होंगे कि ब्लेड से मैंने कैसे किया है, और जो भाई लोग वीडियो नहीं पहले देखे होंगे वो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर वीडियो है, वो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से, ठीक है, एक तो आप पेन के माध्यम से और दूसरा आप ब्लेड के माध्यम से, मात्र दो तरीके से आप इस चमत्कारी बंगाल का जादू सीख सकते हैं, जिसके वजह से आप काफी मालामाल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक पत्ती को आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, इस बार भी बता दे रहा हूँ, आप भी ये सेम कर सकते हैं। ये दोस्तों सत्ता की पत्ती है, कौन सी पत्ती है, सत्ता की पत्ती है। ये दोस्तों टिक्की की पत्ती है, देख लीजिए, ये दोस्तों ये भी आपका टिक्की की पत्ती है, ठीक है, ये आपका छक्के की पत्ती है। बिल्कुल खतरनाक ट्रिक है दोस्तों, आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये नहला का पत्ती है, ठीक है, ये दहला का पत्ती है, जो पत्ती आप चाहेंगे वो पत्ती निकाल सकते हैं, केवल आंख बंद करके, आंख बंद करके जो पत्ती चाहेंगे वो पत्ती आप पहचान जाएंगे और आपको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे तीन तीन पत्ती, जैसे मान लीजिए दो तीन बंदे मान लीजिए खेल रहे हैं, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, एक छोटा सा मान लीजिए तीन बंदे आपके पास खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं पत्ती डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप अपनी गड्डी लेके जाते हैं जुआ खेलने, आप अपने अनुसार अगर जो पत्ती लगा लेते हैं आप अपने ऐसे पत्ती डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आप पत्ती अपना देख लीजिए, जब आप मार्क किए रहेंगे, ट्रिक किए रहेंगे, तो बंदा अपना पत्ती समझ जाएगा कि मेरी पत्ती कौन सी। जैसे ये गुल्लू है, ठीक है, ये सत्ता और ये अट्ठा, तो बंदा समझ जाएगा कि जब मेरी पत्ती बड़ी लगी है कि नहीं लगी है। जब बड़ी पत्ती लगे रहेगा तो बंदा लाखों पैसा चलेगा, चलो मेरा भाई 5,000 की चाल है, मेरा 10,000 का चाल है, मेरा 50,000 का चाल है। अगर जो बंदा ऊपर से ही देख के जान जाएगा कि मेरी पत्ती नहीं लगी है तो वो सीधे से गड्डी में पैक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रिक से, इस मास्टर ट्रिक से इतना नॉलेज आपको हो जाएगा। चलिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एक एक पत्ती के बारे में समझा दिया, ठीक है, इसी तरह आपको ब्लेड से भी करना है, पेन से भी करना है। इस तरह आप लोग कर लेंगे तो कितना भी पत्ती सफल कोई करेगा, कितना भी फर्री मारेगा, तो आप पत्ती को जान जाएंगे कि ये पत्ती किधर जा रही है, कौन सी पत्ती है, ठीक है। तो इस तरह आप काफी सारा पैसा जीत जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों कोई भी पत्ती आप पहचान जाएंगे, चुटकियों में पहचान जाएंगे, ठीक है। ये नाला की पत्ती है, ये दहला की पत्ती है, ये भी दहला की पत्ती है। इस तरह की पत्ती आप पहचान जाएंगे, लाखों करोड़ों पैसा जीत सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो भी कुछ पूछना है सीखना है वो प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।